हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। मैं क्लास 10 चैप्टर फिजिक्स 1 लाइट रिफ्लेक्शन। मैंने आप लोगों को अपने नोट्स ये दिए थे रिफ्लेक्शन के, आई होप आपको समझ में आए हों। जिसको डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो देखिए, मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, कुछ है ना क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर इसमें आपको अगर ज़रा सा भी डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मैंने पढ़ाया उसी में से ही मैंने बनाए हैं क्वेश्चंस, तो उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसमें फर्स्ट दिया गया है, मैं आपको क्लियर कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुज लाइट अप एट पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ इंसिडेंट ऑन इट। देखिए, लाइट का सोर्स दिया है, इंसिडेंट लाइट्स आती है और क्या होती है, पावरफुल, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट का जो बीम बनता है जिससे कि ना आसानी से हमें ना क्या कहते हैं एक वो, तो वो किस में होता है आपका। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपने देखा होगा कॉन के मिरर में आती है लाइट इस तरीके से। तो ये पैरेलल बीम इस तरीके से बनता चलता है कि नहीं बनता चलता, सब एक ही तरफ आता है आपका, ये आता है ना ये, तो ये आपका किस में होता है, कॉनकेव मिरर ही तो है ये, आपका पीछे पेंटेड है, ये कॉनकेव मिरर में होता है। दूसरा आपका किस में होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में भी तो सब लाइट आपकी क्या होंगी, एक तरफ आके मिल जाती है ना, क्या होती हैं कॉन्वेक्स लेंस में। अभी लेंस वाला पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सब में एक तरफ आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, दोनों में जो होता है ना पैरेलल बीम लाइट है ना, वो क्या होता है, व्हेन लाइट इज, जब लाइट आती है कि इंसिडेंट, मतलब ये दिया है ना लेंस, तो पैरेलल बीम क्या होता है, मेक अ पैरेलल बीम, एक बीम का वो बन जाता है, झुंड बन जाता है। तो मतलब वो आपका क्या होता है, पॉइंट पर ही आके वो फोकस करती है, वो आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी है। देखिए, इसमें दिया गया है अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑफिल पिन, पिन को रखा गया है, एक 10 मिलीमीटर लंबी पिन है, तो यानी पिन है आपकी 10 मिलीमीटर, तो हमारा एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 10 mm, ठीक है, मिलीमीटर। अब इसमें दिया गया इस फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई है, ठीक है। अब इमेज कितनी बढ़ रही है, एच आई कितनी है आपकी, 5 mm, ठीक है। और इमेज कितनी दूर बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, यानी मिरर के सामने बन रही है, मतलब आपकी कैसी है इमेज, रियल है, क्योंकि मिरर के सामने जो बनती है वो इमेज कैसी होती है, रियल होती है, और बिहाइंड बनती है वो कैसी होती है, पीछे बनती है मिरर के, वो होती है वर्चुअल। तो ये मिरर के सामने बन रही है तो आपकी क्या है इमेज, आपकी मिरर के सामने बन रही है तो कितनी है आपकी, रियल इमेज है। तो वी आपका क्या हो जाएगा, -30, क्योंकि सामने वाले को, मिरर के सामने वाले की क्या लेते हैं हम, इधर वाली साइड बन रही, इधर वाली साइड ही तो बन रही इमेज, तो मतलब हम इसको क्या लेंगे, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो सारा क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, ठीक है। तो वी आपकी -30 होगी। अब हमें इसे फोकल लेंथ बतानी है, तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको सेंटीमीटर को तो पहले आप इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा 300 मिलीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, एच आई अपॉन एच ओ और इक्वल टू क्या होता है, -V/U, दोनों ही होते हैं, मेरे नोट्स देख लीजिएगा, इसे नोट कर रहे हो तो अच्छा है, देख लीजिएगा, दोनों होता है। एच आई की वैल्यू रखिए आप, कितनी है आपकी, एच आई की वैल्यू है 5, एच ओ कितना है आपका 10, वी कितना है आपका -300, माइनस तो था ही और -300, और यू आपको बताना है पहले, तो यू निकालेंगे सबसे पहले, तो यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, इसका यू का 5 में करेंगे तो क्या आ जाए आपका, 5U आ जाएगा आपका, 5U × 3000, यानी यू आपका कितना आ गया आपका, -600, कितना आ गया आपका यू, -600। आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, देखिए इधर है ना, फाइव अपॉन 10 इक्वल टू -300 अपॉन यू, इसको सॉल्व करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -600। अब हमारा मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V + U, ये होता है। अब 1/F, ठीक है, V कितना है आपका, -300, U कितना है आपका, ये माइनस हो गया क्योंकि U भी आपका माइनस में ही था, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, U हो गया आपका -600,
ठीक है 600। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 आएगा, वही माइनस ऊपर कर लीजिएगा, तो माइनस टू माइनस वन यानी कितना हो गया आपका, माइनस थ्री अपॉन 600, कितना हो गया माइनस थ्री अपॉन 600, ठीक है 1/f। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई ये, और ये कट जाएगा 1/200, माइनस 1/200। तो आपकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, उल्टा कर देंगे इसको तो माइनस 200, और 200 को सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा मिलीमीटर को 20, तो माइनस 20 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई फोकल लेंथ। कोई डाउट हो तो मैं इसकी इमेज उसमें डाल दूंगा, अपने कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉनकेव मिरर इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट लिखना भूल गया है मेरे ख्याल से, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए सेम साइड तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो आपका पहला पॉइंट दिया गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस इक्वल द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, सेंटर ये रहा और रेडियस यहीं तक तो होती है हमारी ये, और ये फोकस होता है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पर रखा है, तो उसके नीचे ही बनेगी, इक्वल बनती है, बड़ी तो नहीं बन रही इमेज। तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्रॉस, गलत है आपका, ठीक है। अब दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इज डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम दूरी पर रखी गई है, देखो फोकल लेंथ ये रहा आपका एफ ये होता है और सी ये होता है, यहाँ तक का आपका फोकल लेंथ होता है, तो यहाँ पर रखी होगी मतलब लगभग, तो आपकी ये वर्चुअल बनेगी, तो वर्चुअल तो हम लेंगे नहीं, वर्चुअल नहीं लेंगे, एक्चुअल बड़ी बनती है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत। इसके बाद, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ ये सही हो सकता है। देखिए फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ये रहा, फोकस ये रहा, इनके बीच में रखा हुआ है, एक सेकेंड, ये दिया हुआ है, इसके बीच में रखा हुआ है फोकस ये रहा आपका, सेंटर ये रहा, इसके बीच में रखी हुई है, तो इसके बीच में रखेंगे आपकी ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा आपका, बड़ा ही बनेगा। और आप किससे गुजारेंगे दूसरा, बताइए किससे गुजारेंगे आप, इससे तो यहाँ गुजारेंगे नहीं, किससे गुजरेगा आपका, इससे बड़ी बनेगी इमेज, तो यानी आपका क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट। और इसमें दिया है रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर, और हम दूर रखते चले जाएंगे मिरर से, जितना दूर होता चलता है ऑब्जेक्ट उतना क्या होती है इमेज, छोटी बनती चलती है, तो हमारा बड़ी किस केस में बनेगी, जब फोकस और सेंटर के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कब बनेगी ऑब्जेक्ट से बड़ी, जब फोकस और सेंटर के बीच में रखा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस, पहले तो ये बताइए रियर व्यू में कौन सा कैमरा होता है आपके व्हीकल्स में, जिसमें आप ना गाड़ी में लगा रहता है सीधा पीछे का देखते हैं, वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आप इमेज सीधी देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज उल्टी बनती है, तो सीधी बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी बनती है। आपने है ना, मैंने कल है ना आपको नोट्स में लिखाया है लास्ट में, आपकी दोनों केसेस में इमेज क्या बन रही है, छोटी बनती है, कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी बनती है इमेज। तो यानी हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ होता है। अच्छा अब देखो एच आई अपॉन एच ओ होता है, एच आई हमारा क्या है, वन से, ऑब्वियसली बात है एच ओ से कम है, मान लीजिए अगर एच आई वन है तो एच ओ क्या है 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या बड़ी है तो इसका मतलब अगर हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आपका, 1 से कम आएगा आंसर, क्योंकि एच आई आपका कम है। अगर ऊपर की संख्या कम होती है नीचे की बड़ी होती है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपके क्या होते हैं हमेशा 1 से कम होते हैं, तो लेस देन 1, तो मैग्नीफिकेशन आपका क्या होगा, लेस देन 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग, अब ये दिया गया दूर कोई एक बिल्डिंग है उसकी इनडेफिनेटली सीन, उसको हम देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर से आप इमेज बताइए, फुल लेंथ इमेज बता रहा है ना, तो आप एक बताइए दूर रखा हुआ है, तो आप ये बताइए अगर कोई मिरर से बहुत दूर रखी हुई है तो कॉन्वेक्स मिरर की मदद से ही तो आप उसकी इमेज बना पाएंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होगा, इमेज क्या होगी, पॉइंट साइज बनेगी, छोटी सी बनेगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, है ना, दूर रखी होगी तो बिल्कुल कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी। और मिरर में क्या होती है, मिरर तो हम देना दूर रखेगा तो हमें तो ऐसे कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मिरर हमें जब दिखाई देगा मिरर में, क्योंकि मिरर जब हमारे ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, अब मिरर से जितना दूर चले जाएंगे आप ये बताइए आपको उसमें मिरर में इमेज दिखाई दे जाएगी आपकी, नहीं दिखाई देगी ना, तो इसका सही आंसर है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से ही आपकी दूर किसी वस्तु की इमेज बन जाएगी,
छोटी बनेगी लेकिन दिखाई देगी आपको पूरी ढंग से, डेफिनेटली कैन बी सीन, लेकिन कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर में नहीं दिखाई देगी। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।